हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी का स्वागत है मेरा टेम्पलेट पे। दोस्तों, आप सभी ने कमेंट करके मुझे पूछा कि भैया आप कितना अर्न करते हो, एक यूट्यूबर कितना अर्न करता है या फिर एक एप्लीकेशन डेवलपर कितना ज्यादा अर्न करता है। आप सभी को पता है जब से मेरा टेम्पलेट स्टार्ट हुआ है मेरे जैसे डेवलपर्स बहुत ज्यादा है अभी, मतलब जिनके अंदर क्रेज और जिनके अंदर मतलब हो सकता है उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई होगी ऑनलाइन अर्निंग करने की। क्योंकि दोस्तों, जब क्रिएटर्स आए थे यूट्यूब पे, जब क्रिएटर्स ने सिखाना स्टार्ट किया, तब जाके और भी ज्यादा क्रिएटर्स आए मार्केट में और यूट्यूब जो चैनल बनाना इतना ज्यादा स्टार्ट हुआ। यूट्यूब मतलब मार्केट में बूम कर चुका था उस टाइम। अभी क्या है कि एप्लीकेशन डेवलपिंग जो है मार्केट में भी जस्ट आया है नया नया, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, हालांकि है तो बहुत पहले से, बट एक टेम्पलेट बेस पे, यानी कि जिसको कोडिंग नहीं भी आती है वो भी एक टेम्पलेट बेस पे एप्लीकेशन बना सकता है। ये जो चीज है, ये चीज मार्केट में नहीं आई है, हालांकि था ये पहले भी, लेकिन लोगों को रिस्क इन करना अच्छे से नहीं आता था। अब लोग इस पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है। जैसे कि आप वेबसाइट बना सकते हो वो ब्लॉगर के थ्रू, जैसे वर्डप्रेस के थ्रू आप बना सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आसान है, ठीक है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। सीखने के साथ साथ आप इस पे अर्निंग भी ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर सकते हो। पहले क्या था, ब्लॉगर भी आपको पहले फटाफट मोनेटाइज हो जाता था, ठीक है, और जब वो मोनेटाइज होता था तो उस पर आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर देते थे। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे, जब मैंने ब्लॉग वगैरह पढ़ा, पुराने जब ब्लॉग्स वगैरह में पढ़ता था, तो मुझे पता है आज भी कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपना जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, इस फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए और कुछ मंथली वो लोग 1 लाख अबव अर्निंग करना स्टार्ट कर चुके थे एट दैट टाइम। बट मैं जब वो सारी चीजें पढ़ता था तब वो बहुत लेट हो चुका था, काफी डिले हो चुका था। मतलब जब मैंने वो पढ़ा था तब वो जो मार्केट था इतना आगे जा चुका था, क्योंकि अगर मैं करता तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस फील्ड में मैं बहुत पीछे रह जाता। तो मैंने उस फील्ड को वहीं पे छोड़ा और मैं एप्लीकेशन डेवलपिंग में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट दिखा, हालांकि था मेरा पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन इस चीज को मैं मेरा प्रोफेशन, इसको मैं मेरा बिजनेस बनाना चाहता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन डेवलपिंग को चूज करके उसमें कोडिंग करना, रिस्किंग करना, कैसे आप टेम्पलेट को क्या कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों को परफेक्ट मैंने पहले सीखा, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग की, मतलब ऑफलाइन हमने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया एप्लीकेशन, ऑफलाइन मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको मैं सीधा मेल करता था, ऑफर करता था, उनके एप्लीकेशन को मैं बना के देता था एंड देन मैनेजमेंट मैं उनको ज्यादा पहले करता था। मैनेजमेंट मतलब उनके एप्लीकेशन को हैंडल करना, संभालना, और उसका एक जो एक चार्ज होता है वो मुझे मंथली पे करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब मैं ऑनलाइन आया, ऑनलाइन आने के बाद मैंने इसे जब स्टार्ट किया, ऑनलाइन हमने प्रमोशन किया, हमारे बिजनेस का बूस्टअप किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मार्केट में। उसके बाद में धीरे धीरे हमने इसे सिखाना स्टार्ट किया। अभी तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीख के खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपना अर्निंग कर रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू, वो खुद से एप्लीकेशन बना के इस टाइम अर्निंग कर पा रहे हैं, प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें नई है मार्केट में, ठीक है। ये वीडियोस जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं सीरीज दूंगा, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो वेट करें कि सीरीज कंटिन्यू कब आए, कंटिन्यू आ ही रही है, ऐसी बात नहीं है, पर ये मेरा जो सीरीज है वो मेरा टेम्पलेट ऑफिशियल चैनल पे आ रहा है। ये मेरा टेम्पलेट प्रो जो है यहाँ पे, मतलब मैं डिस्कस करता रहता हूँ एप्लीकेशन के बारे में, कुछ नॉलेज देता रहता हूँ आपको, आप सभी को, ताकि आप लोगों को इससे कुछ नया सीखने को मिलते रहे, आप लोग मोटिवेट होते रहो ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन डेवलपिंग है एक, जैसे मतलब मैं कुछ जो स्टार्टिंग का टॉपिक था बीच में, तो मैंने आपको ये सब बता दिया कि आप मैंने इसमें क्या स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन डेवलपर जो है अर्निंग के मामले में कभी भी एक यूट्यूबर से आगे रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजी लाइफ और टेंशन वाली लाइफ एक डेवलपर की ही होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो, 30,000-50,000 का कोई भी डील कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा टेंशन आता है कि उसका एप्लीकेशन टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, एरर्स आए वो सॉल्व करो, फिर उस एप्लीकेशन को भविष्य में जो है आपको कंप्लीटली, क्योंकि आपने बनाया तो आपका नाम ना खराब हो, वो सब भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। और एक यूट्यूबर की लाइफ, वीडियो बनाया बंदे ने अच्छा रिस्पांस मिला, उस ऐसा नहीं बहुत आसान होता है, मैं खुद एक यूट्यूबर हूं यार, मैं कैसे बोल दूं कि यूट्यूबर की लाइफ आसान होती है, उसको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समटाइम वीडियोस बना के उसमें एडिट करना, फिर उसके ऊपर से वॉइस डबिंग वगैरह बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं मेरे वीडियोस में इतना ज्यादा मतलब आपको दिख जाता है कि मैं ज्यादा हार्डवर्क नहीं करता वीडियोस में, ज्यादा फोकस नहीं करता, मतलब वीडियोस बना के प्रोवाइड कर देता हूं, बट मैं एडिट वगैरह ज्यादा नहीं करता, सीधा वीडियो शूट करता हूं, अपलोड कर देता हूं, थंबनेल पे ज्यादा वर्क करता हूं और टाइटल्स वगैरह पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों मतलब यूट्यूबर को फेस करनी पड़ती है, पर अर्निंग के मामले में कभी भी एप्लीकेशन डेवलपर सबसे ज्यादा अर्न कर लेता है एज कंपेयर यूट्यूबर से, बट यूट्यूबर जो बहुत ज्यादा फेमस है उनके मामले एप्लीकेशन डेवलपर थोड़ा कम है। मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, एक स्टार्टअप यूट्यूबर उतना अर्निंग कर पाएगा जितना एक स्टार्टअप एप्लीकेशन डेवलपर कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी मतलब अर्निंग करना है, सीखना है इन सारी चीजों को, तो मेरा टेम्पलेट का जो ऑफिशियल कोर्स है बाय कीजिए, सारी चीजों को सीखिए, मार्केट में उतरिए, नया चीज है, ट्रेंड कर रहा है
मार्केट में आप जल्दी सीखोगे तो जल्दी ज्यादा इस फील्ड में उतर के अर्निंग कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये चीज को जल्दी नहीं सीख रहे हो, डिले कर रहे हो, डिले अरे कब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, तो नहीं कर पाओगे आप अर्निंग, क्योंकि तब तक ही मार्केट में इतना बूम कर चुका होगा, उस टाइम आप पीछे रह जाओगे और पीछे रहने के बाद फिर आप सोचोगे कुछ मार्केट में नया है ताकि हम उसको यू नो उस चीज को सीख के मार्केट में उतरे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन ये सारी चीजें हर सब किसी को एक ही बार मिलता है, तो आपको भी सीख लेना चाहिए, उतरना चाहिए मार्केट में, अर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग पे, क्योंकि अगर आपके पास जॉब है या नहीं एक्स वाई जेड, ये फील्ड सबसे बेटर है। और हमारे जो ऑफिशियल कोर्सेस चीज को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ, कॉल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।